हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टेक गुरुजी। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि GBT और हेड टीचर्स के लिए जो ट्रांसफ़र ड्राइव है वो आज से शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने कल भी आपको ये सूचना दी थी कि 29 दिसंबर 2021 से जो ट्रांसफ़र ड्राइव है वो शुरू हो जाएगी और 4 जनवरी 2021 तक आप अपने स्कूल्स की प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो उसी के अनुसार आज रात 12 बजे से ये ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू हो चुकी है और अभी जो ट्रांसफ़र ड्राइव है वो अच्छे से चल रही है और अभी आपको 29 तारीख से 4 तारीख तक स्कूल की प्रेफरेंस भरने का समय दिया गया है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ट्रांसफ़र ड्राइव से संबंधित सारे पहलुओं पर बातें करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे कि हमें ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर अपने जो स्कूल की प्रेफरेंस है वो किस तरीके से भरनी है, हमें क्या क्या सावधानियां वहाँ रखनी है और किन गलतियों से हमें बचना है। तो उन बारे हम सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आखिर तक वीडियो को देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे ताकि आगे भी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो देर न करते हुए आज की जो वीडियो है हम उसे शुरू कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारा जो गूगल का होम पेज आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से हमें सबसे पहले करना क्या है, हम यहाँ से जो हमारा MIS की जो साइट है HRYEDUMIS इसको हम सर्च कर लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे MIS पोर्टल का लिंक यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्कूल एम्प्लॉइज लॉगिन, ऑनलाइन एप्लीकेंट्स लॉगिन और एडमिन लॉगिन। इसमें आप स्कूल एंड एम्प्लॉइज लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है उसको यहाँ पर फिल करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। इन दोनों को आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो कई बार, या फिर आपने बहुत समय से अपना जो MIS है उसके अंदर लॉगिन नहीं किया है तो आपका पासवर्ड मे बी एक्सपायर हो चुका हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका यूज़र नेम मांगा जाएगा और इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यूज़र नेम में आपको अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है वो डालनी है और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ आपसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगा जाएगा, उसको आपको सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे और मे बी कई बार क्या है ओ और जीरो में आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से चेक करके इसको यहाँ पर फिल कर देना और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा, आपसे एक वेरिफिकेशन कोड के लिए ऑप्शन मांगा जाएगा, आप एक आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो भी आपकी रजिस्टर्ड है आपकी MIS आईडी पे, उनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे तो आपकी, जैसे आपने मोबाइल सेलेक्ट किया है तो मोबाइल के ऊपर एक कोड चला जाएगा जो कि पासवर्ड को सेट करने से पहले आपसे मांगा जाएगा कि कहीं कोई और तो आपके पासवर्ड को रीसेट नहीं कर रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक कोड आपके मोबाइल के ऊपर चला जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ डाल के जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको नया पासवर्ड जो है सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और उसे सबमिट करते ही आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये तरीका था आप किस तरीके से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वापस अपनी जो होम पेज था उसके ऊपर चले जाएंगे। तो हम वहीं से HRYEDUMIS इसके ऊपर यहाँ से आ जाते हैं।
यहाँ से स्कूल एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। तो ये तरीका है जिस तरीके से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको फिर से तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, MIS, AMS एंड सेट। AMS एंड सेट से आपको कुछ नहीं करना है, MIS पर आप क्लिक कर लेंगे। MIS पर क्लिक करने के बाद आपका जो MIS का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल करेक्शन ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अपने पॉइंट्स चेक करने हैं तो पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, या माई पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे आपके पॉइंट्स देख पाएंगे। और अगर आपको प्रेफरेंस ही भरनी है तो ट्रांसफ़र प्रेफरेंस का एक ये ऑप्शन है, यहाँ आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा वो है फिल स्कूल वाइज ट्रांसफ़र प्रेफरेंसेस। चूँकि जितने भी हमारे JBT टीचर्स हैं सभी को इस ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर कंपलसरी पार्टिसिपेट कराया गया है। अभी कल तक जो बहुत सारे साथियों के बीच में ये चर्चा थी कि 2017 वाले जो JBT टीचर्स हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं है, जितने भी हमारे JBT टीचर्स हैं उनको कंपलसरी इस ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर शामिल किया गया है, चाहे वो किसी भी बैच का हो। केवल ऐसे टीचर्स जिनकी रिटायरमेंट में एक साल बचा हुआ है या फिर किसी डिसेबिलिटी के कारण वो हैं तो उनको ही केवल इस ट्रांसफ़र ड्राइव से छूट दी गई है, अन्यथा किसी को इस ट्रांसफ़र ड्राइव से छूट नहीं दी गई है। तो जितने भी हमारे हेड टीचर्स हैं और JBT टीचर्स हैं उनको इस ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर कंपलसरी पार्टिसिपेट कराया गया है। तो यहाँ हमें फिल स्कूल वाइज ट्रांसफ़र प्रेफरेंस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है प्लीज चूज द लैंग्वेज फॉर फिलिंग ट्रांसफ़र ड्राइव प्रेफरेंसेस। यहाँ आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश या हिंदी। साथ साथ आपको यहाँ पर नीचे नोट में दिख रहा होगा लास्ट डेट टू सबमिट स्कूल एंड जून प्रेफरेंसेस 4th of June 2022, यानी 4 जून को रात 12 बजे तक, यानी अपनी जो ट्रांसफ़र प्रेफरेंस हैं उन्हें आप फिल कर सकते हैं। तो समय आपको अच्छे से पता लग गया है, इतने समय के अंदर आप लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके अपनी ट्रांसफ़र प्रेफरेंस फिल कर दें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो फिल करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और सर्वर पर लोड हो जाएगा, तो मे बी साइट अच्छे से वर्क ना करे। तो जितना जल्दी आप अच्छे से अपना कार्य कर लेंगे पहले उतना जल्दी सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपसे फिर दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, एनी वेयर इन द स्टेट एज पर क्लॉज 9 ऑफ द ट्रांसफ़र पॉलिसी, और सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट स्कूल ऑफिस प्रेफरेंसेस। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कहीं भी पोस्ट कर दिया जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्कूल दे दिया जाए एनी वेयर, तो आप एनी वेयर यहाँ सेलेक्ट कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। आपको किसी भी स्कूल को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा स्कूल दिया गया, कितना दूर है, कैसा है, कोई फ़र्क नहीं, तो आप एनी वेयर सेलेक्ट कर दें। और आप अपनी मर्जी का स्कूल सेलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मुझे देखना है कि स्कूल कैसा है, मेरे जाने के लिए कैसा रास्ता है, स्कूल कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है कितनी दूरी है, तो आपको सबमिट स्कूल पर या ऑफिस प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे अभी इसके सामने जो बॉक्स आ रहा है उसमें आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेना और सबमिट पर क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, आपको स्कूल और ऑफिस की प्रेफरेंसेस खुल जाएंगी। तो आप यहाँ देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ सबसे पहले आपको ये, यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो आईडी है मेवात कैडर कैंडिडेट की है, तो इसीलिए यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जो जितने भी मेवात कैडर के जो टीचर्स हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, उन्हें केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो ऐसे ही क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं है, तो जो भी एम्प्लॉई जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी स्कूल के उसी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंसेज उनको देखने को मिलेंगी,
तो ये मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट की ही प्रेफरेंसेस आप यहाँ से फिल कर पाएंगे। अगर कोई यहाँ पर पलवल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, तो उसको केवल पलवल डिस्ट्रिक्ट की ही प्रेफरेंसेस देखने को मिलेंगी। तो अब करना क्या है आपको, क्योंकि जो हमारी प्रेफरेंसेज हैं वो जोन वाइज फिल करी जाएंगी, तो आपके पास आपको करना क्या है, जोन वाइज आपकी प्रेफरेंस आप पहले से बना के तैयार कर लें। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जोन वाइज आपको लिस्ट अपने स्कूल्स की बनानी होगी। उसके लिए मैं आपको जो ओवरऑल जोन वाइज लिस्ट है वो उसका एक PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आप देख रहे होंगे। ये अभी 29 दिसंबर सुबह 4:46 के अकॉर्डिंग ये लिस्ट है, इसमें आपको जोन वाइज स्कूल्स मिल जाएंगे। तो आपको देखना है कि आप अपने आराम से बैठ के एक दो दिन जोन वाइज लिस्ट बना लें स्कूल्स की, कि आपके लिए स्कूल कौन सा बेटर रहेगा। तो ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दूंगा, उनमें भी ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये लिस्ट आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इससे कोई संबंधित है, तो वो समस्या भी आप हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम के चैनल पर वहाँ हमें बता सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान करें। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट है सारे स्कूल्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये अभी लिस्ट है मेवात डिस्ट्रिक्ट की, साथ ही साथ में ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हरियाणा के अंदर हैं उनकी लिस्ट भी मैं उसके अंदर अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसमें वैकेंसी पोजीशन भी देख सकते हैं, जोन वाइज लिस्ट भी देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है जोन 1 के अंदर ये एक स्कूल दिया हुआ है 15724, ठीक है। तो इसको अगर हमें यहाँ पर फिल करना है, तो इसको करना क्या होगा, यहाँ पर हमें जोन 1 सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर स्कूल का जो कोड है 15724, ये फिल करके यहाँ पर सर्च कर देना है। तो इसके साथ में ही आप देख रहे होंगे ये स्कूल यहाँ पर हमें शो करना हो गया, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नू 15724, और इसको यहाँ पर एड टू लिस्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि ये स्कूल यहाँ पर जोन 1 का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ से फिल किया जोन नंबर 5, जोन नंबर 5 का स्कूल का कोई यहाँ से मैं ले लेता हूँ, जोन 5 में स्कूल कोड हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो जोन 5 में मान लीजिए 15628 आ गया, जोन 5 के अंदर हमने 15628 डाला 628, और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये 15628 आ गया, ये हमने फिल कर दिया सेकंड पोजीशन पर। अब मान लीजिए मैं फिर यहाँ से फिर दोबारा से जोन 1 का कोई स्कूल लेना चाहता हूँ, तो फिर दोबारा से मैं यहाँ पर जोन 1 का स्कूल फिल कर सकता हूँ। तो अभी तक बहुत सारे साथियों के अंदर ये एक कन्फ्यूजन था कि क्या हम एक बार किसी जोन के स्कूल सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद अगर दूसरी जोन का स्कूल फिल कर देते हैं, तो क्या फिर वापस उसी स्कूल का जोन का स्कूल वापस सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं अब मैंने पहले यहाँ पर जोन 1 का स्कूल फिल किया, फिर जोन 5 का स्कूल फिल किया, फिर दोबारा से मैं अब यहाँ पर जोन 1 का स्कूल फिल करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर 19640 फिर से जोन 1 का स्कूल मैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर दे रहा हूँ, तो क्या ये सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ये डाला और यहाँ पर सर्च कर दिया, एड टू लिस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से अपना स्कूल फिल कर दिया है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले किस जोन का स्कूल दे रहे हैं, आपको क्या है स्कूल्स की प्रेफरेंस मांगी गई है, जोन वाइज देनी है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक साथ पूरी जोन के स्कूल आपको एक साथ देने हैं, आप उनको सफल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से करेंगे, फिर इसको सेव टू प्रोसीड करके आप अपनी प्रेफरेंसेज हैं
उनको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो आशा है ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या रह जाती है तो आप हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर या फिर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आशा है आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ताकि आगे भी इससे संबंधित जो भी वीडियोस हम पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंच सकें और जो भी समस्या है आपकी उसे हल हो सकें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।